बेटा ये है मंडी डबवाली के राकेश शर्मा। जी हाँ, बचपन से लेकर उम्र के इस पड़ाव तक ऐसा शायद कोई दिन नहीं था जब ये इस खेल के मैदान में नहीं पहुंचे। छोटी उम्र में ही खेल के मैदान से लगाव हो गया और आजकल जनाब बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करते हैं। खेतुराम स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से अनेकों बच्चे इस खेल के मैदान में पहुंचते हैं और सीखते हैं राकेश शर्मा से खेल के गुर। जी हाँ, कहते हैं छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। जी हाँ, खुद राकेश कुमार मास्टर एथलेटिक गेम में अनेकों अनेक गोल्ड मेडल जीतकर मंडी डबवाली का नाम रोशन कर चुके हैं और आजकल बच्चों के साथ खेल खेलते हैं और बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को खेल के खूबसूरत मैदान में भेजें ताकि स्वस्थ युवा ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जिंदगी जिंदाबाद, टू द पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद। मैं इस वक्त गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी डबवाली के खूबसूरत खेल मैदान में हूं। यहां पर डूबते हुए सूरज के साथ ना जाने कितने खिलाड़ी अपना पसीना बहाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और पूरी मेहनत करते हैं और कहते हैं कि हम बड़े होकर खिलाड़ी बनेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, लेकिन उन सबको सिखाता कौन है, उन सबको प्रेरित कौन करता है, उन सबको प्रेरणा कौन देता है? जी हाँ, हमारे ही शहर के बहुत ही जाने पहचाने खिलाड़ी हैं जनाब राकेश शर्मा साहब। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनका सारा जीवन मेरी ही आंखों के सामने गुजरा है और इसी ग्राउंड के अंदर उन्होंने दमखम के साथ अपने खेल को शुरू किया था बचपन में और फिर स्कूल के बाद कॉलेज के बेस्ट एथलीट और बेस्ट एथलीट के बाद फिर मास्टर एथलेटिक्स गेम्स में भाग लिया और बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। तो आइए बात करते हैं राकेश शर्मा जी से। हेलो राकेश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मेरे भाई। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपको? इस दोबारा मैं ग्राउंड में देख रहा हूं तो मुझे आपका वही बचपन याद आ रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं आप जैसे भाइयों का जिन्होंने मुझे चैनल पे आने का मौका दिया और मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं और ये बच्चे जो अपने टाइम पे ये टाइम ऐसा होता है जिसमें बच्चे गलियों में जाकर आवारागर्दी करते हैं, खाते पीते हैं और ये समझ लो ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। यही टाइम है बच्चे हमारे पास पसीना बहा रहे हैं और खाली पेट यहाँ वर्जिश कर रहे हैं। क्या बात है राकेश, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पसीना बहाते हैं, खेलते हैं और उनके मम्मी पापा उनको यहाँ पर विशेष तौर पर लेते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि खेल का जुनून आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? सर, मैं एक बार फुटबॉल खेल रहा था तो फुटबॉल खेलते खेलते उधर श्री हमारे गुरुजी श्री लाभ सिंह जी रंधावा जो है पोल वॉल्ट करवा रहे थे किसी को, मैं इधर ये जो पोल है फुटबॉल का यहाँ गोलकीपर था। ओके, तो यहाँ गोलकीपर खड़ा खड़ा मैं देख रहा था कि उधर पोल वॉल्ट किसी को करवा रहे हैं गुरुजी, तो उनसे हो नहीं रहा तो मैं यहाँ से भागा हुआ उधर गया। मैंने कहा सर मैंने पोल वॉल्ट करना है और मेरे गुरुजी बोले आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, क्या बात है। तो मेरे को उन्होंने वापस लौटा दिया और जब मैं फिर वापस आके गोल में खड़ा हो गया तो गुरुजी के पास कोई मिलने चले आया। तो गुरुजी के पास जब कोई मिलने चले आया तो मैंने सोचा मेरे पास मौका है, मैं पोल उठाऊं और फटाफट एक लगा दूं। अच्छा, तो वो बात कर रहे थे, मैंने पोल चोरी से ही समझो आप मैंने चुपके से पोल उठाया और पोल मैंने पकड़ के और पोल वॉल्ट लगा दिया और मैंने पहला ही पोल वॉल्ट क्रॉस कर दिया। उसके बाद गुरुजी कहने लगे ये तो ऐसे ही लग गया। हाँ। तो ऐसा कर अब लगा के देखा। अच्छा, तो फिर मैंने उसको कहा मैं गुरुजी मैं लगा लेता हूँ, तो मैंने पोल पकड़ा और मैंने लगाया और मैं क्रॉस कर गया। उसके बाद कहते इतना तो सारे क्रॉस कर जाते हैं, दोबारा लगा मैं ऊपर हाइट करता हूँ तो वो क्रॉस करके देखा और मैंने वो भी क्रॉस कर दिया। उसके ऊपर राइट की मैंने वो क्रॉस कर दी। उसके बाद मेरी जिंदगी में नया मोड़ आया और मैंने फुटबॉल छोड़ के उन्होंने मुझे पोल वॉल्ट में ज्वाइन कराया और आगे से मैं पोल वॉल्ट करना शुरू कर दिया। पोल वॉल्ट और ट्रिपल जंप में मेरा यूनिवर्सिटी गोल्ड, स्टेट गोल्ड, इंटर यूनिवर्सिटी गोल्ड और आज मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में मैं नेशनल गोल्ड हूँ। 3 साल लगातार हो गए मुझे नेशनल गोल्ड लेते हुए। मैं ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट और लॉन्ग जंप करता हूँ और यहाँ जो मेरे बच्चे खड़े हुए हैं ये भी मतलब अपने फिजिकल तौर पे फिट हो रहे हैं और आगे जाके ये कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो नेशनल गेम में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ले चुके हैं, जैसे ज्योति है। अच्छा, और रमन है और कुछ बच्चे जो है जो जैसे ये लड़की खड़ी है इन्होंने फुटबॉल में नेशनल कैंप अटेंड किया हुआ है और ये जो नए बच्चे हैं ये भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट
और इसमें एक दो बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट में गोल्ड ले चुके हैं मात्र 10.5 साल के। अच्छा, एक बात राकेश जी बताइए कि जो यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, क्या कोई संस्था बनाई हुई है आपने? सर, ये हमारी संस्था बनी हुई है श्री खेतू रामजी सेठी मेमोरियल स्पोर्ट्स क्लब। ओके। इनके जो संस्थापक हैं वो हैं श्री रामजी दाजी सेठी, यूएसए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से? हाँ जी, हाँ जी। हमें जो भी पैसा आता है वो सारा न्यूयॉर्क से आता है जी। उनके पैसा आने के बाद हमारे साथ और भी NRI जो है जुड़ चुके हैं, वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो यहाँ से, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक करने की कमी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों को लेकर आते हैं। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ। वो आपके पास सीख रहे हैं। देखिए, शुरुआत करने में थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। हाँ जी, और हाँ जी, वो मुझे लगता है कि लोगों का अपने बच्चों के प्रति, खेल के प्रति जागरूकता अभियान आपका चलाया हुआ निश्चित तौर पर रंग ला रहा है। सर, मैं आपकी बात काटते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को तो लेके आते हैं और उनमें खुद में इतना जुनून होगा। देखो, ये पेरेंट्स हैं जो साथ में खड़े हुए हैं, वो खुद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेट को घटा रहे हैं, फिजिकली फिट हो रहे हैं। उनको भी ये, अभी घर में जाकर हम फिजिकली फिट होंगे तो अच्छा काम करेंगे, हैं? अगर फिट नहीं होंगे तो बीमार होंगे, काम करने को मन नहीं करता, ड्यूटी जाने को मन नहीं करता, इसलिए वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कुछ पेरेंट्स भी खुद प्रैक्टिस करते हैं। और आप अपने बच्चों के साथ मिलाएंगे मेरे को? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और क्या क्या भविष्य में करना चाहते हैं आप? सर, ये जो हमारे बच्चे हैं, कोई कह रहा है हमें आर्मी में जाना है, कोई कह रहा है मैंने इंजीनियर बनना है, लेकिन ये सब तो ही सही हो जाएगा अगर ये बच्चे फिजिकली फिट होंगे तो। क्या बात है, तो आइए छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं। तो ये हमारे बच्चे हैं। हेलो, नाम है सर नमिश। नमिश, क्या नाम है आपका? सर नमिश। नमिश, कैसा लग रहा है आपको खेलते हुए? सर अच्छा। अच्छा लग रहा है, क्या बनोगे बड़े होकर? सर टीचर। टीचर, वेरी गुड। अरे आपका क्या नाम है? रिजुल। रिजुल, 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 क्या रिजुल, क्या बात है। खेलना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या बनोगे बड़े होकर? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, क्या बात है। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। आप क्या बनेंगे? एथलीट। अच्छा, अब मैंने आपके सर बता रहे हैं आप स्टेट में गोल्ड जीता है। कैसा लगा जब आपने स्टेट में गोल्ड जीता? तो बहुत अच्छा। अंडर 11 कंपटीशन, वेरी गुड। जब भागने लगे थे वहाँ पर तो तुम्हें पता था कि तुम जीत जाओगी? क्या बात है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। और ये सलमान खान साहब हैं। अरे वाह, मुझे लगता है आप फिल्मों में जाएंगे। क्या नाम है आपका? नवराज। नवराज है, अच्छा। मैंने तो सलमान खान, आपकी उर्फ सलमान खान, क्या बात है। नवराज, क्या कहना चाहोगे बच्चों को खेलने के बारे में? यहाँ पे बहुत अच्छा, जैसे मेरे दोस्त भी बन गए और एथलेटिक्स भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। अच्छा, रनिंग वो भी अच्छी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक ये हमारे साथी हैं, आपका क्या नाम है? युवराज। युवराज, कैसे हैं युवराज? कैसा लग रहा है आपको खेलते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे बच्चों को? अपने दोस्तों को क्या कहना चाहोगे कि आओ खेलें? यस yes, खेलेंगे। और ये हमारे एक और साथी हैं, मैं मिलाना चाहता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? गैवी। गैवी, गैवी, गैवी बहुत बढ़िया है। और ये और बहुत सारे मित्र यहाँ देखिए भागने, गुरमुख सिंह है ये। गुरमुख सिंह, हाँ यस। ये सर हमारा जो लोगो है ये देखो इसका, क्या बात, टी-शर्ट है हमने यहाँ हमारे क्लब की, खेतूराम सेठी मेमोरियल स्पोर्ट्स क्लब मंडी डबवाली की ये टी शर्ट पहने हुए हैं। हेलो, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या कहना चाहोगे अपने दोस्तों को, बच्चों को खेल के बारे में? कि यहाँ पर फिजिकल फिट होते हैं और एक्सरसाइज में मेहनत लगती है और मजा भी आता है। मजा भी आता है, क्या बात है। तो जिंदगी जिंदाबाद है दोस्तों। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, बेटियाँ भी हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? यशिका। यशिका, आपका? मोहिनी। मोहिनी, आपका? चिराग। चिराग, क्या बात है। आपका? आपका? करुण। आपका क्या नाम है? करुण। करुण, आपका? आशीष। आशीष, और आपका? जतिंदर। क्या नाम है आपका? जतिंदर। जतिंदर, क्या करेंगे आप बड़े होकर? सिर्फ मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे, भागते हुए दौड़ते हुए थकते तो नहीं हो? तो चलो, मैं आपकी एक रेस देखना चाहता हूँ। आप भागने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, और दोस्तों बिल्कुल तैयार हैं, और इनको मार्क दीजिए। क्या बात है, देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह भागते हैं और किस तरह लगते हैं, देखिए खूबसूरत रंग है जिंदगी के। और ये बच्चे भागने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अपनी रेस लगाने के लिए, और बहुत खूबसूरत, ये क्या बात है, बहुत खूबसूरत नज़ारा मेरे पास से गुजरा है जब मैं इन बच्चों को भागते हुए दौड़ते हुए देखना चाहता हूँ। और हमारे साथ कुछ हमारी बेटियाँ भी हैं, आपसे उनसे भी बात करवाता हूँ।
हेलो सर, मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी क्या बात है, आप यहाँ पर बच्चों के साथ आई हैं? हाँ सर, मेरी बेटी है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मुझे लगता है आप खुद भी प्रैक्टिस करती होंगी। हाँ जी सर, मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया। ओके, कैसा लग रहा है यहाँ पर बच्चों के साथ? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, सबसे बड़ी बात तो माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे आके। ओके, बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलने में मजा आता। क्या बात है, बच्चों के साथ बच्चे बन के खेलने में मजा आता है। और मैं कहता हूँ कि बड़ी उम्र के लोग भी बच्चे होते हैं, बस थोड़े से बड़े होते हैं। तो एक बात आप क्या पेरेंट्स को कहना चाहेंगे? एक्चुअली सर, आजकल पेरेंट्स जो है वो बच्चों की सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि अच्छे इतने मार्क्स आने चाहिए, इतने मार्क्स। वो ये नहीं देखते कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरह। सो आई विल से कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानें, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसके लिए उसको प्रॉपर गाइडेंस दें, जिस भी फील्ड में वो जाए वो सक्सेसफुल। क्या बात है, बहुत अच्छा संदेश ज्योति जी ने यहाँ पर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब इन बच्चों के बीच आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम घर के कार्य करते हैं तो यहाँ आकर इन बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं तो पूरे दिन की थकान उतर जाती है। माई सर विशाल, मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने बच्चे को लेके आता हूँ, जो कि काफ़ी समय से स्पोर्ट्स में मेरी लड़की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आज के इस जो दौर है, जो बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, कार्टून्स देखते हैं, तो हमारा यहाँ ये फ़र्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करें कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। आने वाले समय में वो कोई थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप उस चीज़ को फेस कर पा रहे होंगे कि वो कोई भी समस्या हो तो आपके सामने शेयर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जब आप ग्राउंड में मिट्टी के साथ बच्चों को खेलते हुए जोड़ते हुए देखोगे तो आप कुछ ही समय में महसूस करोगे कि बच्चों में कितना अंतर, उनकी लाइफ स्टाइल में कितना अंतर आ गया, उनमें कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हर चीज़ वो शेयर करेंगे आपसे। और उसके साथ साथ जो उनकी फिजिकल फिटनेस है, जो हम चाहते हैं कि आज के युग में हमारे बच्चे फिट हों और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा बने, क्योंकि फास्ट फूड खाना और सारा दिन कार्टून्स देखना, मोबाइल चलाना, तो आप मेरी आप सबसे फिर से गुजारिश है कि आप बच्चे अपने ही हैं, उनको संभालना हमारी ही जिम्मेवारी है। अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को समय नहीं निकालना, लेकर जरूर आना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर बहुत अच्छी कोचिंग दी जा रही है श्री राकेश पटवारी जी, जो कि बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। तो खेतूराम क्लब की तरफ से बच्चों के लिए काफ़ी योजनाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आएं और अपने बच्चों को ट्रायल दिलाकर और यहाँ पर ज़रूर भेजें, ताकि वो आगे चलकर अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे वक्ता बने, अच्छा सबसे बड़ी बात अच्छे और आदर्श नागरिक बन सकें। धन्यवाद। हेलो, मैं ललजीत गर्ग, मैं आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुका हूँ। ये भी एक जो खेलना कूदना है, ये एक आयुर्वेदिक का ही हिस्सा है। हमें माता पिता को, ये सारे अभिभावकों को निवेदन है कि आप जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपना डबली में बच्चों को लेकर आएं और उनको कुछ सिखलाएं, ताकि बच्चे अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आगे बढ़ सकें। जो यहाँ के संचालक हैं राकेश शर्मा जी, वो बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए। हमारा सभी अभिभावकों को निवेदन है कि वो अपने टैलेंटेड बच्चों का यहाँ पर ट्रायल दिलाएं, और जो बच्चे अच्छे निकलेंगे हम उसको स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाएंगे। सभी अभिभावकों को फिर से हमारा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में जल्द से जल्द ट्रायल दिलवाएं। धन्यवाद। खेल खेलो और खेल की भावना से खेलो, खेल का मैदान बच्चों से भरा रहे और बच्चे मन लगाकर, दिल लगाकर खेल खेलते रहें और देश का नाम, समाज का नाम, घर का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। तो आप माँ बाप से टू द पॉइंट जिंदगी जिंदाबाद की ओर से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को कुछ पल के लिए खेल के मैदान में भेजें, ताकि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्करा कर कहें जिंदगी जिंदाबाद, टू द पॉइंट। सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्करा तो वो भी मुस्करा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू दी पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।